हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रेपराइज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों के साथ वादा किया था, जैसे उत्तर प्रदेश के जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं कि हम आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है 30 दिन के बाद, उसके लिए हम एक क्रैश कोर्स कैप्सूल कोर्स अवेलेबल करवाएंगे। तो हम आप लोगों की इसी डिमांड पे मुफ्त में जो हमारा शिक्षा का ये माध्यम है उसके लिए आप लोगों के भीतर शिक्षा उपलब्ध करवाने का हमारा ये प्रयास है। तो हम आज चर्चा करेंगे, हम चार प्रेपराइज टीम के चार एजुकेटर जो हैं वो आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि कौन कौन से विषय, और ख़ासतौर पे एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि हम जो हैं ये प्रारंभिक परीक्षा का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो है बिल्कुल एनालिटिकल तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से पिछले 5 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनसे हमने पहले उसका विश्लेषण किया है, फिर उस तरह से जो आपका पेपर है जो हम आपका जनरल स्टडीज़ 1 है जिसमें जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है, और आपका सी सेट का पेपर जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, आप लोग जानते हैं 200-200 नंबर के आपके दो पेपर होंगे, इसमें से जनरल स्टडीज़ का एक एग्ज़ाम आपका जो होगा जिसके आधार पर मेरिट बनेगी, और दूसरा पेपर जो कि क्वालिफाइंग होगा 200 में से जिसमें आपको 75 मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे, तो उस पर हम बात करेंगे। और उसी तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी कि आप लोगों के लिए जितना बेस्ट हम लोगों से हो सकता है आपके लिए अवेलेबल करवाएं। दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है जिस पे हम हिस्ट्री पर बात करेंगे, हमारा कौन सा चरण है। देखिए, हम बात करेंगे भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन हिस्ट्री के जो भी पड़ाव जिस दौर से हम गुजरे हैं भारत के लोग, उसमें भारत का इतिहास, इसमें प्राचीन भारत से एंशियंट हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री तक जो भी पार्ट है उनको हम कवर करेंगे दोस्तों। तो उसमें भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उसके जो भी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पक्ष जो भी हैं उसकी व्यापक जानकारी पर हम विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो सिलेबस आपके सामने लिखा है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल साइट से लिया गया है। तो इसी के प्रारूप पर हमें चलना है। तो दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे, ये देखिए भारत का इतिहास, इसमें जो भी हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रहा है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपीएससी का जो सिलेबस है ये काफ़ी हद तक आपस में मिलता जुलता है, तो इसी पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन, अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, और इस आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच जो पिछले 5 वर्षों के जो भी 5 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उस हिसाब से एक एनालिटिकल अप्रोच से हम आप लोगों के साथ चलेंगे। और देखिए, नेक्स्ट हमारे साथ जो हमारा ज्योग्राफी है, मैं चाहूँगा कि रौनक सर हमारे बीच आएँ और थोड़ा सा मेरा सहयोग करें। थैंक यू अभिषेक सर। और जैसा कि अभिषेक सर ने आपको बताया कि हमारे कोर्स के बारे में, जो हमने कोर्स अभी लॉन्च किया है, सो अभी इस कोर्स में जैसे कि अभिषेक सर ने आपको बताया कि हम आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, सो अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, तो भारत और विश्व का भूगोल में क्या आता है हमारा, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, हमारी जो अप्रोच होगी वो ये होगी, जो भी करेंट अफेयर से रिलेट करके हमें आपको इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, जैसे हमारा ये टॉपिक बनता है आपका सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, ठीक है, और उसके बाद में बनता है विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो भारत और विश्व का जो भूगोल है उसमें हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन वो प्रोवाइड कराएंगे विद द करेंट अफेयर से रिलेट करके। ओके, सो अब आता है हमारा भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। ठीक है, हमारे ऊपर जो भौतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है और आर्थिक भूगोल है, किस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, और हमारी जो यूपीपीसीएस की जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए। ओके, सो इसके संबंधित हम प्रश्न के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और चलिए अभिषेक जी, आगे बढ़ते हैं, और ये जो हमारा भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान है ये हमारे अभिषेक जी लीड करेंगे। सो मैं चाहूँगा अभिषेक जी, आप इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जरूर रौनक सर जी। दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट है, देखिए भारतीय राजनीति एवं शासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से संबंधित जो भी विभिन्न आयाम हैं, जो भी पहलू इसके होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें देखिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि 30 दिन के भीतर भीतर अगर हमें एग्ज़ाम निकालना है तो हमें स्मार्ट वर्क से चलना होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना बेस्ट हम लोग आपको आपके लिए अवेलेबल करा सकते हैं उतना हम कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिए भारतीय शासन एवं उसके संविधान एवं राजनीति एवं शासन, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक, और इस तरह के विभिन्न चरण हैं जिसमें हम सभी जो हम जैसे देखा जाता है कि इसमें भारतीय संविधान से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि अक्सर हमें दिन प्रतिदिन एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा बेहतर होता जा रहा है, तो उसमें परंपरागत प्रश्नों के साथ साथ नए तरह के प्रश्न भी पूछे जाने हैं, तो उस आधार पर हमारी ये अप्रोच होगी। उसमें देखिए राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान, भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षण,
एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी प्रश्न होंगे। देखिए आगे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, तो मैं चाहूंगा कि रौनक सर इसके बारे में बताएं। ओके ओके बिल्कुल अभिषेक जी, आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि हमारा जो गरीबी अंतर्गत, ठीक है, गरीबी से रिलेटेड जो हमारा जनसांख्यिकी वगैरह का टॉपिक है वो हम क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो हम इस जो इकोनॉमिक्स का जो हमारा पोर्शन है इसमें अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरिकीकरण की समस्याओं के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसमें इंडियन GDP, ठीक है, और इसमें कुछ रिलेट करेंगे कि हम यूपी से रिलेटेड, ठीक है, यूपी का जो इकोनॉमिक्स पोर्शन है और जो यूपी में जो इकोनॉमिक हम लोगों के ऊपर जो प्रभाव डाल रही है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है जो पूजा मैम हमारी वो डिस्कस करेंगे आके। सो प्लीज वेलकम पूजा मैम। थैंक यू सर, मैं आपको पढ़ाऊंगी जनरल साइंस, तो जिसमें है आपका पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी, इसमें है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो बायोडाइवर्सिटी आती है सामान्य विषय, या आपके जैसे भी हमारा क्लाइमेट चेंज आ रहा है उससे रिलेटेड हम आपके लिए टॉपिक्स लेंगे। लेकिन ये टॉपिक्स जो हैं जितना भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं उससे, जैसे आपके सबमिट्स हो रहे हैं, वो सारा हमारा जो आजकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उससे थीम्स, उसके बारे में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में हम क्या पढ़ सकते हैं? जनरल साइंस में हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बायो में हम जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और आपका फिजिक्स में हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे टॉपिक्स हम लेंगे। लेकिन ये सारे टॉपिक्स हम जितने भी है ये जनरल अवेयरनेस से भी लेंगे, और जो हमारा लेटेस्ट अपडेट्स चल रहे हैं साइंस से रिलेटेड उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो है वो रौनक सर बताएंगे, प्लीज़। थैंक यू सर। मैं बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद में आता है हमारा सी सेट का पेपर, ठीक है, जिसको GS पेपर 2 बोलते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हमारे पास टीचर है, सो प्लीज वेलकम रवि सर। सो रवि सर आएंगे और इसके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। सो प्लीज वेलकम रवि सर। थैंक यू सर। ये जो आपका सेशन है, ठीक है, ये जो आपका सेक्शन है इसमें जो कॉम्प्रीहेंशन है आपका, वह ये आपका आएगा इंग्लिश वाले सेक्शन से, ठीक है, ये करवाएंगे आपको पूजा मैम। उसके बाद ये आपके नेक्स्ट जो 3 सेक्शन है ये वाले सेक्शन, ठीक है, ये आपका जो वो रीजनिंग का पोर्शन है, जो तर्क शक्ति का पोर्शन है, ये मैं आपको कवर करवाऊंगा। उसके बाद आता है आपका प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, ठीक है, फर्स्ट से लेके 10th तक जितना भी मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको इस वाले पोर्शन से करने हैं, ठीक है। ये आपके पास रहेंगे कि अंक गणित आपका, जो आपका अरिथमेटिक है, ठीक है, अरिथमेटिक के जितने भी आपके सेशन है सेक्शन है, ठीक है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। बीज गणित, एलजेब्रा के जितने भी सेक्शन है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। रेखा गणित, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड, और सांख्यिकी, हमारे जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी आपके सेक्शन हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो सामान्य अंग्रेजी है, ठीक है, फर्स्ट से लेकर 10th तक जो भी आपने इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश ग्रामर, वो आपको पूजा मैम करवाएंगे। ये सामान्य हिंदी वाला जो आपका सेक्शन है ये करवाएंगे आपको अभिषेक सर, ठीक है। और उसके बाद ये जो प्रारंभिक गणित है, ठीक है, प्रारंभिक गणित ये वाला सेक्शन भी मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट ये हमारे पास जो मैंने आपके साथ मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर किया था, ठीक है, जो मैंने आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस बताया था इसकी थोड़ी सी डिटेल्स है आपके पास, ठीक है, कि जो अंक गणित वाला सेक्शन है, ठीक है, अंक गणित मतलब जो आपका अरिथमेटिक वाला सेक्शन है उसमें हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम संख्या पद्धति, जो आपके पास नंबर सिस्टम रहता है, ठीक है, उसमें जितने भी नंबर्स आते हैं आपके, जैसे ये नेचुरल नंबर है आपके पास, ये पूर्णांक, इंटीजर्स, ठीक है, रैशनल नंबर जो भी हैं, और उससे जो भी हम नंबर्स हैं, ठीक है, उनका एलसीएम और एलसीएम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उनसे रिलेटेड हमारे पास किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हम जो है वो इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास टॉपिक्स आते हैं औसत, ठीक है, एवरेज से रिलेटेड, ये आपके अनुपात और समानुपात है ना, जिसमें हम कवर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। नेक्स्ट आपके पास प्रतिशत है ना, परसेंटेज, और ये लाभ हानि में हम जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है मैथमेटिक्स में वो कवर करेंगे, ठीक है। ये आपके पास जितने भी सेक्शन है, ठीक है, एक बार इनको पढ़ लीजिए कि कौन कौन से आपके पास ये चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो फर्स्ट से लेकर 10th तक आपने ये चैप्टर जो है वो पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपके पास, ये आपके पास बीज गणित, एलजेब्रा, ठीक है, एलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं वो डिस्कस करेंगे हम, और यहाँ पर एलजेब्रा की जो आपके पास एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, वो वाली चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है समुच्चय सिद्धांत, ठीक है, जो सेट थ्योरी आपने पढ़ी है, सेट एंड रिलेशन, हो सकता है आपने ये 10th क्लास में पढ़ी हो और 11th क्लास में पढ़ी हो, तो ठीक है, सेट्स और रिलेशन से जो जो भी आता है आपके पास, ठीक है, उसमें आपके पास ये बेन डायग्राम्स भी आते हैं, ठीक है, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है रेखा गणित, ठीक है, रेखा गणित में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में, कि ज्योमेट्री से रिलेटेड जो एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे यहाँ पे रेखा गणित में। नेक्स्ट देखते हैं हम,
नेक्स्ट आते हैं आपके पास सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी की हम क्या बोलते हैं कि नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है, सांख्यिकी आपके पास जो आंकड़े हैं उनको कैसे हम अरेंज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वाला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ये वाला टॉपिक, तो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितनी भी आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट ये आपके पास जनरल इंग्लिश का है, ठीक है, तो मैं पूजा मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और इसको डिस्कस करें। थैंक यू सो। अब है आपके पास जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे, कंप्रीहेंशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंचुएशंस, वर्ड्स, देन वोकैबुलरी। अगर हमें इन सबको पढ़ना है जनरल इंग्लिश को, तो सबसे बेस्ट थिंग है जितना भी हमारे जो न्यूज़पेपर्स आते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, हम उनको भी फॉलो करेंगे, और जो जो रिसेंट टॉपिक्स आते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं, हम उससे रिलेटेड आपके पास रोज कॉम्प्रीहेंशंस भी लाएंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगी रौनक सर को, प्लीज़ रौनक सर आइए और अपना थोड़ा और ब्रीफ बताना चाहें। ओके मैम, थैंक यू सर। अभी जैसे अभी पूजा मैम ने आपको बताया, ठीक है, अपने बारे में और हमारा सिलेबस जो था, तो अभी मैं अभिषेक सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और अपने सिलेबस के बारे में बताएँ। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सी सेट में आपके लिए सामान्य हिंदी का भी थोड़ा सा पोर्शन है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, हालांकि आप लोगों ने जो भी हालांकि आप लोग सभी ग्रेजुएट स्तर के अभ्यर्थी हैं तो आपने तो पढ़ा भी होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस मुझे लगता है कि इस बारे में हम जरूर करेंगे, जिसमें हम संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द और जो भी आपके टॉपिक हैं हिंदी के, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, अर्थबोध, तो जिसमें साथ साथ आप UPPCS के साथ और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि हम सभी प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रयासरत हैं आप लोगों के लिए कि 30 दिन के भीतर भीतर आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाए और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। और ये डोनक सर बताइए आप थोड़ा बहुत। ओके ठीक है, तो जैसा कि अभी आपको हमारी टीम ने पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि हम इसको कैसे कवर करने वाले हैं, सो बेसिकली मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है, और जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, सो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ओके थैंक यू, मिलते हैं हमारे कोर्स में। ओके बाय।